छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी सांसों में, खुशबू छाने लगी। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। प्रिंसिपल हरि प्रसाद गुरुकुल में संगीत सिखाया करते थे, पर डोनेशन ना लेने की वजह से उन्हें उनके पद से हटा दिया गया और अब उन्हें मिलने के लिए अपने घर बुलाया है गुरुकुल के नए ओनर डीके पुंज ने। उनके साथ जाती है उनके ही संस्कारों में पली बढ़ी उनकी बेटी आरोही। वो नहीं जानती ये उसी अर्जुन पुंज का घर है जिसने पिछली रात ही अपनी अच्छाई से आरोही के दिल में अपनी जगह बना ली। सुनो। यस सर। वो लोग कौन है? पंडित हरि प्रसाद और उनकी बेटी, पिछले 8 घंटे से बैठे हैं यहाँ, आपसे मिलने आए। कौन पंडित हरि प्रसाद? उसी कॉलेज के प्रिंसिपल जिसे आपने खरीदा है। ओके ओके, वो पंडित हरि प्रसाद, अंदर भेजो। ओके सर। चलिए आपको अंदर बुलाया है। एक काम कीजिए, आप वहां बैठिए, आपके लिए कुछ इंतजाम करता हूं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? उस आदमी को देख रहा? किसे? वो बुड्ढा आदमी। कौन है ये? गुरुकुल का प्रिंसिपल था, इस शहर के इज्जतदार लोगों में से एक। हमने उसे ऑफर देने के लिए यहां बुलाया है। ठीक है, यह आदमी हमारे बहुत काम आ सकता है। कितना काम आ सकता है? सिर्फ शिमला ही नहीं, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, दिल्ली तक इस आदमी की इज्जत के गुणगान होते हैं। लोग कहते हैं कि एक थे गांधी जी और एक ये है। अगर हमें शिमला में अपनी जड़ें मजबूत करनी है तो इस आदमी को खुश रखना होगा। देखिए, गुरुकुल तो हमारे हाथों में आ गया है, लेकिन उसको चलाने के लिए हमें इसके हाथों की जरूरत पड़ेगी। तुम उसे बात क्यों नहीं कर लेते? क्या श्योर? हे सलिल। हाय डूड। कहाँ हो तुम? प्रोफेसर हरि प्रसाद से मिलने के लिए उनके घर जा रहा था। लंच पार्टी शुरू हो चुकी है सलिल। पता है यार, मगर मैं अपने गुरुजी से मिलने उनके घर जा रहा हूँ, जिन्होंने मुझे बचपन में संगीत सिखाया था।
व्हाटएवर, शाम की पार्टी में पहुंच जाना वक्त पे। पहुंच जाऊंगा, पर अभी क्या करूं यार, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे अपने गुरुजी से मिलना बहुत जरूरी है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे किसी लड़की से मिलने जा रहे हो तुम। क्या अर्जुन, अपने गुरुजी से मिलने जा रहा हूँ, किसी लड़की से नहीं। लेकिन लगता है यहाँ से यार पैदल ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहाँ से 10 मिनट का ही तो रास्ता है, चला जाऊंगा। घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सलील? अरे बचपन से उनका घर जानता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनीवेज, बहुत सारी इमीडिएट प्लानिंग करनी है हम दोनों को। शहर का सबसे बड़ा म्यूजिक स्कूल खरीदा है हमने। आई होप तुम पहुंच गए। हाँ डूड, पहुंच ही गया, बस घर के बाहर ही हूँ। यकीन नहीं होता, सो ब्यूटीफुल। कौन, तुम्हारा हरिप्रसाद? हुआ तो अपने घर चली गई। थैंक गॉड सुर और अंतरा ने प्लम्बर को घर भेज दिया। आ गए आप? आप ही का इंतजार हो रहा था। आपको पता था कि मैं आने वाला हूँ? हाँ, मैसेज तो भिजवाया था। मुझे मैसेज भिजवाया था? आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? बेडरूम में। बेडरूम में क्यों? वही तो है। क्या? सामान भी वही है। कौन सा सामान? उफ, आप चलिए मेरे साथ, बहुत बातें करते हैं आप, आइए। सुनिए, ये रहा प्लम्बर का सामान, आइए अब ठीक कर दीजिए। ओ नो, ये तो मुझे प्लम्बर समझ बैठी है। सॉरी, इट्स ओके, पहले ये ठीक करो। फिलहाल तो मैंने ठीक कर दिया है, देखिए। प्रिंसिपल साहब, सॉरी प्रिंसिपल साहब, आई एम डी के पुंज। कब से इंतजार कर रहे हैं आप लोग? सिर्फ 8 घंटे। मैंने संदेशा भिजवाया था आपके पास, लेकिन आप शायद ज्यादा व्यस्त थे। मेरी सेक्रेटरी की गलती है प्रिंसिपल साहब, उसने मुझे बताया नहीं कि मेरा आपके साथ अपॉइंटमेंट है। एनीवे, बहुत सुना है आपके बारे में, आप ही है ना जिसने आज तक गुरुकुल को चलाया? चलाया नहीं है मिस्टर पुंच, मैं वहां काम करता हूं। ग्रेट। वैसे प्रिंसिपल साहब, हम भी उन लोगों में से नहीं है जो आपके वक्त की कदर ना करें। इस शहर में आने की खुशी में हमने आज रात को एक बहुत बड़ा जश्न रखा है। सुना है आप बहुत अच्छा गाते हैं। वैसे तो हमने आज रात की पार्टी के लिए मशहूर सिंगर को बुलाने की सोची थी, लेकिन फिर हमें लगा कि हमारे शहर में आप जैसा एक इज्जतदार, एक नामचीन इंसान मौजूद है, तो फिर हम और किसी के पास क्यों जाएं?
हा? पैसे की फिक्र मत कीजिए आप, आपके 2 साल की तनख्वाह हम आपको आज रात की परफॉर्मेंस के लिए ही दे देंगे, और आज के बाद भी हमारी जो भी पार्टी होगी। प्लीज इसके लिए आप मुझे थैंक यू मत बोलिएगा, हम तो आपके कदरदान हैं। चलिए अब आप लोग आ ही गए हैं तो डू एंजॉय द पार्टी, आई विल सी यू अराउंड। माफ कीजिए मिस्टर पुंच, मैं आपकी पार्टी में नहीं जा सकता। इंटरेस्टिंग, डीके पुंच को मना कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम चीजें कमाई है मिस्टर पुंच, लेकिन वो मेरे लिए काफी है। अपनों का प्यार, उनका स्नेह और कला तो सरस्वती माँ का वरदान है, मैं उसे बेच नहीं सकता। महफिल में गाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शराब पीकर लोग मेरी कला पर वाह वाह करें वो मुझे गवारा नहीं है। मैं कला सिखाता हूँ, बेचता नहीं। ये खत देखकर मुझे लगा था कि शायद आप कला के कदरदान हैं, लेकिन आप तो कला के ठेकेदार हैं। मुझे माफ करें, मैं आपकी महफिल में नहीं जा पाऊंगा, चलता हूं। आज्ञा दें। देखिए उसकी हिम्मत, देखिए हिम्मत नहीं खुददारी है। मोहन और खुददारी बहुत खतरनाक होती है। जो आदमी टीके को मना करके चला गया हो उसे यहां से निकला हुआ मत समझना। इस दुनिया में मुझे सिर्फ 2 ही लोगों से डर लगता है, एक वो जो बहुत ज्यादा डरते हैं और दूसरे वो जो बिल्कुल नहीं डरते। ये दूसरी तरह का आदमी है जिसे पैसे का बिल्कुल लालच नहीं। ये आदमी हम पर बहुत भारी पड़ सकता है मोहन, भले ही फिर वो दोस्ती में हो या फिर दुश्मनी में। Mark my words. I think you are right, Dike. हम उसे खरीद नहीं सकते। Yeah, but I like him. Yes, I like this man. मुझे आज तक कभी किसी ने ना नहीं बोला, लेकिन इसकी ना में भी एक इज्जत थी। We'll work out something. क्या आपने मना कर दिया? ऐसा क्या गलत ऑफर दे दिया उन्होंने आपको? वो मुझसे मेरा हुनर खरीदना चाहते थे। लेकिन बाबा कितने सम्मान से उन्होंने गाने के लिए कहा आपको। 8 घंटे इंतजार करवाना सम्मान है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा सम्मान, मुझे नहीं खाना उनकी किसी पार्टी में, नहीं मुझे उनसे कुछ कमाना है, नहीं मुझे उनकी किसी पार्टी में जाना है। बस बात खत्म। अगर बाबा गाना गा देते तो क्या फर्क पड़ जाता? अब बाबा पार्टी में नहीं जाएंगे और वो नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जा पाएंगे। क्या बात है,
कल तो अपने बाबा की बड़ी तरफदारी कर रही थी। भाभी प्लीज, कल बाबा की कोई गलती नहीं थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब भैया बाबा से इस तरह बात करते। पर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि गाना गाने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये भी तो सही है कि बाबा को अपने उसूल नहीं छोड़ने चाहिए। पार्टी में ना जाने का गुस्सा है मुझे, लेकिन बाबा के खिलाफ कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती मैं आपसे। लेकिन मैं बुरा बोल भी कहां रही हूँ? मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बाबा को जाके समझाओ कि क्या गलत है और क्या सही है। अब देखो ना, आज इतना अच्छा मौका था पार्टी में जाने का, पर देखो बाबा ने मना कर दिया। खैर, इनविटेशन हमारे पास भी है, तुम चलो ना हमारे साथ। पार्टी में पहनने के लिए मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस भी खरीद ली है। ये देखो, यही ड्रेस देखी थी ना तुमने उस दिन माल रोड पे, पूरे 950 रुपए की है। पर मैंने सोचा नड़द के लिए 950 क्या चीज है। अब इतना मत सोचो। देखो आज रात 8 बजे पुंज हाउस में शहर की सारी लड़कियां होगी, उन चारों प्रिंस के सामने। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। क्या पता तुम भी बन जाओ प्रिंस की प्रिंसेस। हवाएं सांस लेने के लिए होती हैं सले, और ये दिल धड़कता है ताकि इंसान जी सके। दिल कितना बड़ा होगा ना उसका। मुझे नहीं पता जब अगली बार वो मेरे सामने आएगा मैं उससे क्या कहूंगी, पर इतना पता है कि इस स्कार्फ के एहसास से पहचान लूंगी। कितनी मोहब्बत है। चुकी है, आप थके हुए हैं, सो जाइए। तू ही बता बेटा, मैंने क्या गलत किया? कैसे कह सकता था मैं वहां? आठ घंटे कड़ी धूप में बिठा के रखा मुझे। अरे स्कूल खरीद लिया तो क्या हमें भी खरीद लिया? बेटा 30 साल की कड़ी मेहनत से बनाया है मैंने इस स्कूल को। मेहनत की नहीं, कम से कम इंसान की इज्जत तो की जानी चाहिए ना। दुनिया आपकी इज्जत करती है पापा, फिर एक इंसान करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है? आप हंस क्यों रहे हैं पापा? पता है बेटा, तू बिल्कुल अपनी माँ की तरह बात करती है, जानती है मैं तो बहुत साधारण सा आदमी था, तेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। जब पहली बार उसने देखा मुझे तो बताया क्या कहा?
दूसरों की नजरों में उसने जो मेरी इज्जत देखी उसी इज्जत से उसे प्यार हो। उस दिन मुझे पता चला कि प्यार चेहरे से नहीं बल्कि एक दूसरे की समझ से होता है। कभी कभी किसी की एक छोटी सी बात इतनी अच्छी लग जाती है कि प्यार हो जाता है, और कभी एक पल का मिलना पूरी जिंदगी भर का साथ बन जाता है, जैसे कि तेरी माँ मेरी जिंदगी बन गई। जा बेटा, रात बहुत हो गई, जाकर के सो जाओ। बाबा और तुझे 8 घंटे धूप में इंतजार करवाया ना। कितने बुरे होते हैं कुछ लोग, अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में। ये जिंदगी आज भी सच्चे प्यार से चलती है पूर्वी दी। माँ बाबा से मिली और माँ की पूरी जिंदगी बदल गई। वो अपना सब कुछ छोड़ के बाबा की दुनिया में आ गई, और पापा आज माँ नहीं है पर माँ की छवि हम बेटियों में दिखते हैं पापा। ये होता है सच्चा प्यार। पूर्विधि, कल मैंने एक ऐसे इंसान को देखा जिसका चेहरा मैं नहीं देख पाई, पर उसकी अच्छाई मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने अपने लिए नहीं उसके लिए दुआ मांगी। ये स्काफ उसी का है। कहते हैं इंसान की खुशबू में उसका एहसास होता है जो दिल को छू जाता है। मैं कहां पड़ा यार, बस कोई पसंद आ गया इस दिल को। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता दुनिया में, 5-10 रुपए की किताबों में बिकता है सड़कों पर। किसी को पहली बार देख के कोई ऐसे कैसे सोच सकता है कि सारी जिंदगी उसके साथ बिता सकता है। यार यार उसे देखा तो जैसा कि मेरा दिल धड़कने लगा, और ये हवाएं, हवाएं सांस लेने के लिए होती हैं सले, और ये दिल धड़कता है ताकि इंसान जी सके। दिल कितना बड़ा होगा ना उसका। मुझे नहीं पता जब अगली बार वो मेरे सामने आएगा मैं उससे क्या कहूंगी, पर इतना पता है कि इस स्कार्फ के एहसास से पहचान लूंगी ये वही है। जिस इंसान के दिल में एक जानवर के लिए इतना प्यार है, दिल जब किसी इंसान से प्यार करेगा तो पता नहीं उसके प्यार की क्या हद होगी। प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती दुनिया में। हाँ, दो लोग मिलते हैं, शादी करते हैं, साथ साथ चलते हैं, पर ये तो दस्तूर है ना दुनिया का। मैं नहीं मानता जो दो लोग मिलते हैं वो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता। होता है, भगवान सारे दिल के रिश्ते पहले ही जोड़ देता है, बस उनका मिलना हम पे छोड़ देता है, और जो एक दूसरे के लिए बने हैं वो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। भगवान ही जानता है
मेरी जिंदगी में ऐसा कौन सा संजोग होगा जो मुझे उस इंसान से मिला देगा जो मेरे लिए बना है।